सो हे गाइस, मैं मोक्ष आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोक्ष फूड ब्लॉग्स में। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ मध्य प्रदेश जिला शिवपुरी। और भैया आज मैं खाने को आया हूँ छोले टिक्की, आलू छोले टिक्की खाने को आया हूँ। और मैं ये आलू छोले टिक्की करीब इन दादा के यहाँ पे 5 या 6 साल से खा रहा हूँ। वो काफ़ी अच्छी छोले टिक्की ये बनाते हैं। तो यार ये चीज़ तो अपन खाएंगे और दादा से आपको मिला देता हूँ। तो आ जाओ। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ ये अंकल से। ये अंकल हैं जिनके ये आलू छोले टिक्की चलता है सेंटर। तो ये अंकल आपका नाम क्या है? लाला राम राठौर इनका नाम है। और काफ़ी अच्छी आलू टिक्की ये बनाते हैं। और अंकल ये काम आप कब से कर रहे हो? बीस साल हो गए आपको भाई? 20 साल हो गए, मतलब ना 20 साल कुछ होते हैं कि। और अंकल आपका गर्मियों में भी मैंने सुना है कि आपका सेंटर बदल जाता है। अच्छा, तो भाई नींबू पानी, लेमन सोडा, जो भी ठंडा आइटम होता है ना गर्मियों में खाने लायक, वो अंकल पूरे आइटम बनाते हैं। तो अंकल के यहाँ, अंकल ये किस जगह पे लगता है आपका जो ये सेंटर है, ये किस जगह? 70 बाजार टेकरी पे ये लगता है। तो 70 बाजार टेकरी पे आएँ भैया और ये चीज़ें खाएं, काफ़ी स्वादिष्ट चीज़ें हैं ये, इन्हें खाना बनता है। और अंकल आप करते हो या भैया वगैरह और भी मैं और अपना बच्चा? इनका बेटा यानी हमारे भैया जिनकी आज की आलू टिक्की और भी ज़्यादा फेमस है, ये अंकल की भी फेमस है, ये दोनों लोग मिलके ये चीज़ करते हैं। और मैं इंट्रोड्यूस भी करा दूँगा भैया से। भैया का क्या नाम है आपके? भूपेंद्र राठौर उनका नाम है। और वो रहे भैया पीछे, भैया वर्क कर रहे हैं आपे। तो भैया भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और अब हमने आलू टिक्की खाएंगे और भाई कैसी लगती है अपन ये टेस्ट देखेंगे कि किस प्रकार का ये टेस्ट है। तो आओ खाते हैं, खाओ खाओ। 20 साल से राठौर साहब लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छी टिक्की इनकी बनती है। वो देखो आप स्वाद उनका कैसी अंकल? बहुत ही शानदार। बहुत शानदार है ना? बहुत। 25 साल हो गए आपको खाते खाते। बताइए 25 साल हो गए अंकल। हाँ चलिए अंकल, ये ग्लोरिया है। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I. गाइस आगे देखते हैं आलू टिक्की कैसा बनाया है, फिर उसके बाद मैं आपको स्वाद बताता हूँ किस तरीके से बनाया है। तो काफ़ी सही दिख रहा है। बताऊँ मैं भाई, काफ़ी बहुत टेस्टी है। सच्ची में पूरा खाते हैं इसको, छोड़ेंगे नहीं। Oh,
काफ़ी स्वादिष्ट थी और ये भैया ने बनाई थी उसको, तो काफ़ी स्वाद था उसमें। और भैया इसका रेसिपी बता दें, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं बनाने का घर में ट्राई करते हैं, इसका एक बार ही रेसिपी बता दें। इसमें केवल आलू ही रहता है, इसका आलू अलग आता है। इसका आलू अलग आता है? हाँ, इसका आलू अलग आता है। इसका कैसा मतलब आलू का? बिल्कुल वाइट आलू आता है, 3697 आलू आता वाइट कलर का। और क्या इसमें? इसमें छोले छोले यूज होते हैं, टमाटर प्याज, बाकी तो अपना नॉर्मल है यार, नमक मिर्ची मसाला गरम मसाला चौको, बस आलू अलग है, आलू का ध्यान रखें। और भैया के स्वाद है ना यहाँ से ज़्यादा दिल से हाथों में, हाथों से हमारे पेट में, तो काफ़ी स्वादिष्ट चीज़ थी और मेरे को बड़ा मज़ा आया ये चीज़ खा के। और अगर आपको ये चीज़ खानी है तो भैया कहाँ आना पड़ेगा? टेकरी मार्केट से आना पड़ेगा। और बहुत स्वादिष्ट आलू टिक्की, और इनका गर्मियों में एक चीज़ है भैया, बदल जाता है सेंटर, बदल जाता है, क्या मिलता है, बर्फ़ के गोले और सोडा, लेमन सोडा, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आओ कभी खाओ काफ़ी। यार एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, तो अंकल ये जो भैया आपने ये जो आलू टिक्की दी, ये क्या प्राइस है इसका? इसका 20 रुपीज़। इसका 20 रुपीज़ प्राइस है, और ये 20 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है यार, काफ़ी सारी मिल जाती है, और आपका पेट भर जाएगा, इतनी स्वादिष्ट चीज़ है ये। तो प्लीज़ आएँ और यहाँ पे आलू टिक्की खाएँ, काफ़ी स्वादिष्ट चीज़ है। और 20 रुपये में और क्या लोगे भैया, जान थोड़ी ना चलोगे भैया। एक बार बोल दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग और लाता रहूँगा, तो बने रहें मेरे, अगले ब्लॉग का इंतज़ार करें, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाएं।